हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेस्ड ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एंड इट इज़ लास्ट आर्टिकल ऑफ फर्स्ट टॉपिक जो कि इंडिया एंड ओल्ड के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे थे। लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लिए हैं, और ये जो लास्ट आर्टिकल है जो कोविड-19 की वजह से किस तरह से वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और वुमेंस के खिलाफ, उसके बाद उनको चाइल्ड लेबर के बारे में आज वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड कई सारे चैलेंजेस, कई सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ा है वुमेंस को। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है जसवंत कौर जी के द्वारा लिखा गया है, इस आर्टिकल के ज़रिए से वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये एक हिडन कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द कोविड-19, राइट। आपने कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखा होगा कोविड-19 के, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में, और जो जॉब लॉस है जो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, बट एक ऐसा हिडन कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है इस कोविड-19 की वजह से जो आज तक ना कोई देखा है ना वो पिक्चर में आया है। बिकॉज ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये चार दीवारी के अंदर हो रहा है, ये वुमेंस के खिलाफ जो चिल्ड्रंस के खिलाफ ये जो सफ़र कर रहे हैं वुमेन इंडिविजुअल्स, जो वायलेंस हो रहा है उनके घर में, ये किसी को उतना पता नहीं चल रहा है। तो उनके पर भी अच्छे से आर्टिकल इन्होंने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको कई सारे एग्जामिनेशन में मेंस आंसर राइटिंग में आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और इस जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह इन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स को भी मेंशन किया है इसमें, कि यूएन रिपोर्ट के बारे में और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कितने कंप्लेंट्स रेज हो रहे थे उसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। तो सारा कुछ मैं आपको स्टैटिस्टिक्स वन बाय वन बताऊंगा। ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बार बार आपको वीडियोस देखने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप छोटी नोट्स रख लीजिए ताकि जितने भी स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स हैं आप उसको नोट डाउन कर सकें, और चलते फिरते आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद में हम हमारे लेक्चर को शुरुआत करेंगे। तो चलिए। Hi, this is Veronica. अब आप मेरे साथ one-on-one Zoom session book कर सकते हैं competitive exam counseling के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि competitive exams के लिए क्या optional लिया जाए, answer writing कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको counseling दूंगी आपके personal strengths और weakness पे based. So see you there only on proxygyan.com. Thank you. तो जैसे कि आप सभी लोग ने देखा कि हमारे जो expert educator है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आज ही हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com, और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बताया है कि जो कंट्री वाइड जो लॉकडाउन लगाया गया था, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दिया है इन इंडियन फैमिलीज, जो ना किसी को बता सकते हैं ना किसी के सामने अपने दुख को जाहिर कर सकते हैं, मोस्टली द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, और इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है अगर चार दीवारी में भी अगर सेफ ना रहे वुमेन एंड चिल्ड्रन तो वो कहाँ पे जाएंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और कई सारे NGOs का कहना है कि हर रोज लाखों कंप्लेंट्स आया करते थे उनके पास, नॉट थाउजेंड्स, इट्स अमाउंट्स टू लैक्स ऑफ कंप्लेंट्स इन एंटायर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये अब जब ये कंप्लेंट जब आना शुरू हुआ था जब अभी लॉकडाउन की इनिशियल स्टेज में था। ओके, कैन यू इमेजिन, लॉकडाउन जब मार्च 24 को लगाया गया था तब इतने सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे इन लोगों को, तब आगे चलकर कितना और डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया होगा, और कई सारे डाटा तो छुपा दिया गया है और कई सारे लोग बोल भी नहीं सकते हैं। ओके, कई जो मेनी चिल्ड्रन वुमेन है वो NGOs के पास जा नहीं सकते। ओके, उनके पास कोई नियर बाय टेलीफोन बूथ नहीं रहता है, राइट, कोई नेबरहुड, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है उनके पास, जो विलेजेस की बात मैं कर रहा हूँ आपको, जो खरिये रहते हैं, जो स्मॉल स्मॉल टाउन स्मॉल स्मॉल विलेजेस वो रहते हैं आसपास, उनके घर के अतराफ जो है कोई एक पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो टीचर हो या कोई भी एजुकेशन आदमी हो, ताकि उनको गाइड कर सकें। ये सारा कुछ आपको ड्राबैक है, और ये सारे कुछ अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू सफ़र साइलेंटली, आप कह सकते हैं इसको। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी पब्लिश किया गया है जो नेशनल कमीशन के द्वारा रिलीज़ की गई थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो 2.5 डेढ़ गुना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था दोस्तों, कैन यू इमेजिन। सॉरी, थोड़ा
गला बैठ गया था, राइट। तो डेढ़ गुना जो वायलेंस था वो इंक्रीज हो चुका था सिंस लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे स्टोरीज इन्होंने मेंशन की हैं बिफोर द लॉकडाउन कि आपको SOS जो इमरजेंसी कॉल सर्विसेज हैं वहाँ पे कई सारे कॉल्स भी आए हैं, बट मेनी वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इवन टू मेक ए कॉल बिकॉज वो घर के अंदर ही रहना पड़ता है ड्यू टू दिस पैट्रियार्कल सोसाइटी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एक फादर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारे इंडिया की। इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस के बाद, आज भी जो है कहीं ना कहीं आपको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और पर्टिकुलरली इन द विलेज एरियाज ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स, राइट। सो इसकी वजह से कहाँ पे वो पकड़े ना जाए, या अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको और भी जो है सताया जाएगा, तो इस फियर के वजह से भी ये लोग अप्रोच नहीं कर पाए हैं। ओके तो इन लोगों को कई सारे तकलीफ भी दिए गए थे। ओके ऐसे सिनारियों में देखिए इनिशियल रिलीफ जो वुमेन एंड चिल्ड्रन को है वो आपको नॉर्मल सिचुएशन में मिलना बहुत ही जो है एक बहुत ही मुश्किल है ऐसे लॉकडाउन में। ओके अगर लॉकडाउन नहीं होता तो द अथॉरिटीज दे कैन रीच इट एट वेरी अर्ली, बट ऐसे सिचुएशन में क्या होता है आपको कई सारे जो हेल्थ वर्कर्स जो है उन्होंने अपने काम में बिजी रहते हैं और NGOs वर बिजी इन देर अदर वर्क्स। ओके सो ऐसे टाइम पे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। ओके तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये भी बताया है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को आपको रोज़ाना कई सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे थे। और ड्यू टू द मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से या लैक ऑफ स्टाफ की वजह से ये लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए कई सारा लॉन्गर टाइम भी लग चुका है इन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ओके सो नॉट ओनली मेनी ऑफ दिस सेंटर्स वेर द विक्टिम्स आर यूजुअली केप्ट, बट कई सारे ऐसे अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन भी आ गए थे, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आगे मैं चलकर आपको एक रिसर्च पेपर के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसका टाइटल था अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आई थिंक COVID-19, राइट। तो उसमें इन्होंने कई सारे डाटा को पब्लिश किया है। ओके सो नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली भी कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ा। आप मानेंगे नहीं, इवन द USA द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, इवन द ब्रिटेन, इवन द फ्रांस, इवन द ऑस्ट्रेलिया, All these countries have faced this domestic violence. Okay, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो पढ़े लिखे countries हैं, यहाँ पे कोई violence नहीं होगा, domestic violence वहाँ पे जो women empowerment है वो ज़्यादा रहेगा, but आपको जानकर surprise रहेगा आगे जब मैं data बताऊँगा आपको, वहाँ पे women violence ज़्यादातर USA ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया है। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो नेशनल कमीशन जो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उनको मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से लैक ऑफ स्टाफ होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच नहीं पा रहे थे, उनको भी लॉन्गर टाइम लग रहा था प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉकडाउन एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था दोस्तों। ओके सो उनके द्वारा लिखा गया है कि कई एरियाज और डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे रेड जोन को डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके जो वहाँ पे आपको हाईएस्ट केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला है एंड आल्सो साइबर क्राइम आल्सो। ओके बट इवन दो अगर आप देखेंगे तो एक दूसरा हिस्सा भी है इसमें, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस में आपको ज़्यादातर केसेस बढ़ने का देखेंगे, बट अगर अपार्ट फ्रॉम अदर जो रेप है सेक्सुअल असॉल्ट है ये आपको व्हेन कंपेयर टू द डोमेस्टिक वायलेंस डिक्रीज हो चुके थे। क्यों डिक्रीज हो गए थे? बिकॉज देर इज नो मोबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी नहीं थी, वर्क प्लेसेस काम नहीं कर रहे थे, सारा कुछ वर्क फ्रॉम होम था, कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं थी, किसी औरत को या किसी लड़की को किसी गर्ल को रोड पे जाकर जो है रात भर घर जो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कंपनीज में, या देर रात वापस जब आ रहे हैं वहाँ पे उनको जो है सेक्सुअल असॉल्ट करने के कई सारे चांसेस है, तो वो भी मोबिलिटी नहीं होने की वजह से सारा कुछ रेड्यूस हो चुका था। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो इन्होंने हाईलाइट किया है अपनी रिपोर्ट में। ओके और स्टडी ये भी हाईलाइट करती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो कंप्लेंट्स हैं वो 131% इंक्रीज़ हो चुके थे दोस्तों। ओके और जो अब्यूज़र्स थे ऑनलाइन अब्यूज़र्स वो 184% इंक्रीज़ हो चुका था रेड जोन में। देर वॉज ए ह्यूज डिफरेंस इन दिस कंप्लेंट जब आप एक ग्रीन जोन एरिया से अगर आप जो है कंपेयर करेंगे जहाँ पे मूवमेंट थोड़ा बहुत अलाउ था, तो उनसे और रेड जोन से दोनों के अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो देर विल बी ह्यूज डिफरेंस। ओके सो इनफैक्ट NCW रिपोर्ट के ये भी कहना है कि दिल्ली और UP ज़्यादातर नंबर ऑफ वायलेंस आपको केसेस रजिस्टर हुए हैं
ड्यूरिंग द 68 डेज ऑफ लॉकडाउन दिल्ली में आपको 32 कंप्लेंट्स रिसीव हुए हैं पर 1 मिलियन, ओके 10 लाख पे आपको 32 कंप्लेंट्स रिसीव हुए, वाइल यूपी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके सो और कई सारे इनका कहना है कि कई सारे जो केसेस है वो अनरिपोर्टेड भी रह गए हैं। ओके सो आपको अनरिपोर्टेड केसेस भी इसमें आपको कई सारे मिलेंगे। ओके और एक ओल्ड सर्वे की बात करें तो बिफोर द लॉकडाउन, तो उनसे और आज का जो डेटा आया है कोविड 19 में उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे ओल्ड सर्वे में, तो 77% ऑफ द विक्टिम्स वर नेवर मेंशन अबाउट देयर इंसिडेंट्स। ओके सो ऑलमोस्ट 100% में 70 ऐसे लोग हैं, अगर आप मान के चलें 100 लोग हैं तो 77 मतलब 80 आप मान के चलिए, तो 80 लोग जो है अपने इंसिडेंट के बारे में बताते ही नहीं है। तो जो भी हमने अब डाटा पढ़ा ये एक सिर्फ जो हमारे पास रिपोर्ट आई है जो रजिस्टर हुए हैं कंप्लेंट्स उसके बेसिस पे बताया गया है। तो कैन यू इमेजिन कि किस तरह से कई सारा अनहिडन डाटा है। तो इसीलिए ऑथर अपने जो आर्टिकल में पहली लाइन लिखते हैं ये कि एक हिडन कॉन्सिक्वेंसेस है दोस्तों कोविड 19 का। ओके तो इसीलिए इसे हिडन कॉन्सिक्वेंस बताया गया है। तो आपको कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले होंगे, जॉब लॉस है सभी लोगों को पता है, अनएम्प्लॉयमेंट है सभी लोगों को पता है, खाने की भी हंगर है, पॉवर्टी है, राइट सभी लोगों को पता है खाने की कमी की वजह से जो माइग्रेंट्स जो प्रॉब्लम्स हुआ था कई सारे न्यूज़ एरिया में कवरेज किया गया था, ये सारा कुछ पता है आपको। बट वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्योंकि उन लोगों ही वॉइस को रेज नहीं करते हैं तो कहाँ से पता चलेगा, राइट। और अमॉन्ग 14.3% वुमेन हु सॉट हेल्प ओनली 7% रीच आउट टू द अथॉरिटीज़। ओके सो अगर 14% जो मदद मांगी थी औरतों के ज़रिए से तो सिर्फ 7% जो है प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास रीच हो पाए हैं जैसे लॉयर्स, पुलिस, एनजीओस, तो रिमाइनिंग 7% अगेन दे गो इन टू द ड्रॉबैक। ओके तो दिस इज अ ओल्ड डेटा, सो नाउ दे हैव कंपेयर्ड विद द न्यू डेटा ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप देखें तो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज केसेस, साइबर क्राइम और अदर वायलेंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जैसे कि आपको कई बार चाइल्ड लेबर देखा गया है, कई सारे लोग होते हैं गरीब लोग पावर्टी की वजह से उनके पेरेंट्स की जॉब चले जाती है तो वो अपने चाइल्ड अपने चिल्ड्रन को भी जो है लेबर पर लगा देते हैं ताकि उनकी इनकम बनी रहे। ओके और आपको देखें तो कई सारे नंबर ऑफ डिस्ट्रेस कॉल भी आ चुके थे, चाइल्ड हेल्पलाइन भी एक हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था वहाँ पे भी आपको अगर देखें तो 50% इंक्रीज़ हो गया था दोस्तों। ओके सो ऑफ द 92,000 केसेस आए थे पूरे इंडिया के अक्रॉस, तो लगभग उसमें सिर्फ 10% ऑफ केसेस को ये लोग सपोर्ट कर पाए हैं। सो अगेन द सेम रीज़न लाइक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट एंड ऑल, राइट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स डिस्कस और क्या कहते हैं स्टडी के बारे में। एक प्रोत्साहन बोल के एक इंडिया फाउंडेशन एक एनजीओ है दोस्तों, एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, तो इन्होंने जो चाइल्ड राइट्स के बारे में, एक्चुअली दे विल मेनली फोकस ऑन द चाइल्ड राइट्स और जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके चाइल्ड लेबर है, उनके पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पैंडमिक के दौरान इन्होंने एक ऐसा डेटा को पब्लिश किया जिसको देखकर सारे लोग दंग रह चुके हैं। तो इनके डेटा के अनुसार मैं ऐसे ही पॉइंट्स आपको स्लाइड में रख दिया है ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स एज इट इज़ याद हो या आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की है या कोई डाटा रिड्यूस नहीं किया है, एज इट इज़ मैंने अपडेट कर दिया। देखिए पहला जो डाटा है इट सेज 55% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स हैव गॉन थ्रू द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ओके सो 100 बच्चों में 50 पर 5 बच्चे 55 गर्ल्स हैव अंडरगॉन टू द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग पैंडमिक, और 13% के लोग जो है सेक्सुअल अब्यूज फेस करना पड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है ये आपके घर के लोगों के जरिए से ही हुआ है, राइट। सो जो पेरेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स जो उनके रिलेटिव्स हैं उनकी वजह से इस सेक्सुअल अब्यूज़ को फेस करना पड़ा है, राइट। और 11% के जो लोग हैं इनको फोर्सफुली मैरिज भी करवा दी गई है बिकॉज स्कूल्स एंड ऑल वर वेरी क्लोज्ड। ओके उन लोगों को पास कोई बहाना नहीं था, एजुकेशन का भी बहाना नहीं था, तो दे फोर्स्ड एंड 11% जो है बिफोर द एज ऑफ मैरिज यानी 18 ईयर से पहले ही इनकी मैरिज करवा दी गई थी। और अनदर 19% हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क बिफोर द एज ऑफ 14। आप सभी लोग जानते हैं कि बिफोर द एज ऑफ 14 काम करवाना इट्स ए क्रिमिनल। ओके जैसे मैंने आपको बताया फैमिली इनकम के लिए उनके सारे जॉब जा चुके थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया 14 साल के बच्चे या उनसे पहले बच्चे को ही इन काम पे लगा दिया। इट्स कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राइट। और ये स्टोरी अगर आप देखें इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था ग्लोबली वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव अंडरगॉन दिस काइंड ऑफ वायलेंस दोस्तों, बिकॉज
दे अनफॉर्चुनेटली द इंफॉर्मेशन इन सच केसेस इज अनअवेलेबल, जैसे मैंने आपको बता रहा था ना, कई सारा कई कई सारे लोग जो है रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, और जो रिपोर्ट करते हैं वो सिर्फ हाफ ऑफ द पीपल दे विल गेट द रेजोल्यूशन। ओके, सो इनिशियली द सर्वे विच फोकस्ड ऑन ओनली डाटा जनरेटेड बाय द हेल्पलाइन नंबर्स, जो भी हेल्पलाइन नंबर से हमारे पास जो कंप्लेंट्स आए हैं उसके बेसिस पे ये लोग सर्वेस किया गया था। ओके, सो इनफैक्ट मैनी इंक्लूडिंग यूएन के जो यूएन में भी कई सारे रिपोर्ट्स ये लोग पब्लिश किए हैं। अपनी रिपोर्ट में ये लोग कहते हैं कि ग्लोबली, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, उनके पास भी जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, बेसिकली इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 25 to 35%। ओके, 25 से 35% तक जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस थे ये इंक्रीज हो चुका था। सो ह्यूज परसेंट ऑफ केसेस आर नेवर रिपोर्टेड, विच एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, ये जो डाटा था ये हमारे पास जो कंप्लेंट कॉल आए थे या पर्टिकुलर अथॉरिटी के पर जो कंप्लेंट कॉल्स था उनके बेसिस पे सिर्फ ये डाटा बनाया गया है, ये रिसेंट रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई थी। ओके, और यूएन का ये भी कहना है कि सिंस पैंडेमिक, जब से शुरू हुआ है, लेबनन, मलेशिया, यहाँ पे कई सारे आपको कॉल्स थे वो डबल होना शुरू हो चुके हैं। ओके, सो वेन कंपेयर टू द लास्ट मंथ, वेन कंपेयर बिफोर टू द लॉकडाउन, लास्ट मंथ इन द सेंस लॉकडाउन से पहले। ओके, और जो चाइना है वहाँ पे तो ट्रिपल्ड हो चुके थे, और ऑस्ट्रेलिया जितने भी वहाँ पे तो आपको डबल केसेस पाए गए हैं। ओके, सो दिस नंबर्स डू नॉट इंडिकेट द एनॉर्मिटी ऑफ प्रॉब्लम। मेरा कहना ये है, आप समझ रहे हो ना, कि ये एनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा आपको वायलेंस फेस होना पड़ा है। ओके, बिकॉज कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री अगर आप ले लें तो ये लोग वहाँ पे पर्टिकुलर डाटा ना होने की वजह से प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ओके, बिकॉज दिस पैंडेमिक, इवन दो बेसिकली पैंडेमिक से पहले भी आपको कई सारे वायलेंस को फेस कर रहे थे लोग, बट दिस पैंडेमिक हैज़ एडेड फ्यूल टू द फायर, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट? सो आग में घी डालने का काम करती है ये, बिकॉज पैंडेमिक की वजह से कई सारे वर्क प्लेसेस बंद हो चुके थे, स्कूल्स बंद हो चुके थे, तो औरत या फिर कोई लड़की तो सिर्फ चार दीवारी के बीच में रहा करती थी, तो उनके खिलाफ कई सारे वायलेंस फेस करना पड़ा है। 243 मिलियन वुमेन एंड गर्ल जिनकी उम्र 15 से 50 साल की उम्र में थी, लाइक दे एक्सपीरियंस द सेक्शुअल एंड फिजिकल वायलेंस ऑल्सो के बाय एन इंटीमेट पार्टनर इन द पास्ट ईयर, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। तो दिस वन कैन इमेजिन, आप इस डाटा से देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि ये पैंडेमिक एक्चुअली कितना दर्दनाक रहा है, कि एक ग्लोबल इकोनॉमी को नॉट ओनली दे हैव पुश्ड बैक इनटू द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट आल्सो टर्म्स बैक इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमैनिटी आल्सो, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर आल्सो, राइट? और यूनिसेफ ने भी अपने रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 2019 में जब एंड हुआ था तो 46 मिलियन पीपल वर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्लेस बाई कॉन्फ्लिक्ट से, बाई वायलेंस से। ओके, ऑफ दिस 46 मिलियन में 19 मिलियन आपको बच्चे थे दोस्तों, 19 मिलियन वर चिल्ड्रन। ओके, सो देर आर मिलियंस एंड मिलियंस हुआ डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डिफरेंट डिजास्टर्स, एंड कई सारे बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर में जा चुके हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो अभी आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस चाइल्ड लेबर, दे आर ऑल्सो फेसिंग द यू नो दे डोंट हैव एनी एक्सेसिबिलिटी फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, वायलेंस। सो वन कैन इमेजिन हाउ दिस पैंडमिक हैज़ पुश दिस ग्लोबल इकॉनमी बैक इन द टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, राइट? तो दिस इज़ अबाउट टुडेज आर्टिकल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल में मैंने सारे आपको नोट डाउन कर लिए हैं, आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने पहला कंटेंट था हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड, उसमें टोटल 6 आर्टिकल्स को देखा है, सारे आर्टिकल्स मैंने इन डिटेल आपको पढ़ा दिए हैं, आपको दोबारा बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे स्लाइड्स में से जो है नोट डाटा नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ताकि आपको एग्ज़ाम में अपनी ओन लैंग्वेज में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने समझाया वही आप लिख कर आएँ, अगर आपके पास अगर डाटा हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाएगा, राइट? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप किसी तरह से एग्ज़ाम पास कर ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट, हम शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, जो नेक्स्ट कंटेंट है इस मनोरामा ईयर बुक का। उसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, फ्रॉम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारा कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।